Nanda Kishore, kind of feministic, kafi talented young director hai. Aur bata dosto, Nanda ka most collaboration film raha Sanalut ka Badshah kicha Sudeep ke sath. Aur recently director Nanda ka Pogaru jaise mass entertainment wala film mein release hua hai. दोस्तों आज मैं ट्विटर नंदा किशोर का बॉक्स ऑफिस कर्शन एनालिसिस के बारे में बात करने वाली हूँ और अगर आप ट्विटर नंदा के फैन तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन विक्टोरी, ये 2013 का कॉमेडी फिल्म है और इसमें शारण और अस्मिता ली ड्रोन में नजर आई है और इसमें चंद्रू हर वक्त सुसाइड करने का प्लान करते हैं और बाद में कैसे गैंगस्टर की वजह से कहानी में एक कॉमेडी ट्विस्ट आते हैं वह इसमें दिख रही है और ये फिल्म इंस्टेंट सक्सेसफुल फिल्म रहा और जब इस फिल्म का गाना खाली क्वार्टर सोशल मीडिया पर उस पर काफी वायरल गाना था और जिस गाना को वाइडली सेलिब्रिटीज और क्रिटिक्स की तरफ से काफी पॉजिटिव रिव्यू भी मिला है। अब बता दोस्तों बाद में इस फिल्म का ह्यूज रिस्पॉन्स के बाद इस फिल्म को 2016 में तेलुगु में सेल्फ राजा नाम से रिमेक बनाई गई है और जहाँ पर हमको अल्लारी नरेश को लीड रोल में नजर आई है और बता दोस्तों विक्टोरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर टू अध्यक्ष, ये 2014 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें शारण हिबा पटेल लीड रोल में नजर आई है और इसमें लड़की शादी के मंडप से एक गैंग मेंबर के साथ कैसे भाग जाती है उसकी स्टोरी को दिख रही है और बता दोस्तों ये फिल्म 2013 तमिल फिल्म वारुथा पदाथा वालीवर संगम इसी फिल्म का कन्नड़ा रिमेक है और जहाँ पर ओरिजिनल वर्षों में हमको शिवा कार्तिकान को लीड रोल में नजर आई है और बता दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नंबर थ्री रन्ना, ये 2015 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें किचा सुदीप राजिता राम लीड रोल में नजर आई है और इसमें फैमिली प्रॉब्लम को हाईलाइट करके दिखाई गई है और इस पर ये 2015 में काफी पॉपुलर फिल्म रहा और बता दोस्तों ये फिल्म 2013 का पावर स्टार पान कलर स्टेरर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर आतरी तिके दरी दिखा कन्नड़ा रिमेक है और बता दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नंबर फोर मुकुंदा मुराई, ये 2016 का डिवोशनल सैट्रिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें रियलिस्ट उपेंद्रा और कीचे सुदीप को लीड रोल में नजर आई है और अगर स्टोरी की बात करूँ तो इसमें मुकुंदा ने भूकंप में अपनी दुकान को खोने के बाद वो कैसे भगवान पर केस चलाने की फैसला करते हैं उसकी स्टोरी को दिखाई है और इसमें काफी कॉमेडी ट्विस्ट भी नजर आई है और बता दोस्तों ये फिल्म हिंदी फिल्म ओ माई गॉड का कन्नड़ा रिमेक है और जहाँ पर ये फिल्म 50 डेज तक सक्सेसफुली रन किया और बाद में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित थी। नंबर फाइव टाइगर, ये 2007 का एक्शन फिल्म है और इसमें प्रदीप नायडा और ओम पुरी लीड रोल में नजर आई है और इसमें एक यंग लड़का अशोक ने पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं पर अशोक के बाप ने कैसे उसे बैंक ऑफिसर बनाने की कोशिश करते हैं उसकी स्टोरी को दिखाई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुआ है एवरेज। नंबर सिक्स बृहस्पति, ये 2018 का कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें मनोरंजन और मिष्टी चक्रवर्ती लीड रोल में नजर आई है और इसमें ग्रेजुएट लड़का सुधीर चार साल से बेकार रहने के बाद जब उसे जॉब मिलता है तब उसे कैसे कैसर कीमत चुकाना पड़ता है उसका स्टोरी को दिखाई है और इसमें काफी मोटिवेशनल सीन भी नजर आई है और बता दोस्तों ये फिल्म 2014 का धनुषराज स्टार सक्सेसफुल फिल्म वेला इल्ला पत्ताधारी का कन्नड़ रिमेक है और जहाँ पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर सेवन पोगारू, और ये रिसेंटली 2021 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें एक्शन प्रिंस ध्रुवा सरजा रश्मिका मंदाना और धनंजय लीड रोल में नजर आई है और जहाँ पर यह फिल्म कन्नड़ के अलावा भी तेलुगु और तमिल भाषा में भी रिलीज हुआ है और पिंडामी की बात कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में इस फिल्म को काफी ग्रैंड वे से रिलीज कर दी गई है और जहाँ पर यह फिल्म रिलीज होने से पहले इस फिल्म का कड़ाबू गाना यूट्यूब पर हाईएस्ट फीट कन्नड़ सॉन्ग का रिकॉर्ड भी बनाया था और अभी पोगारु फिल्म का एक्शन और साथ में ध्रुवा सरजा का एक्टिंग को फैंस और क्रिटिक्स की तरफ से काफी पॉजिटिव रिव्यू मिल रही है और बता दो दोस्तों ये फिल्म एक फुल्ली मस एंटरटेनमेंट फिल्म है और हो सकते है तो ये फिल्म 3 साल के बाद ध्रुवा का कैरियर में एक ग्रेट सक्सेसफुल कमबैक वाला फिल्म हो सकता है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है और दोस्तों पोगारु फिल्म आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि ये फिल्म हिट सुपर हिट ब्लॉकबस्टर या फिर फ्लॉप होगा कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये रहा ट्विटर नंदा किशोर का बॉक्स ऑफिस कर्शन एनालिसिस के बारे में और सब फिल्मों से कौन सी फिल्म आपका सबसे फेवरेट है कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और उससे बॉलीवुड साउथ इंडियन स्विच अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।